अभी सेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ, आप सभी का स्वागत है। लैंग्वेज हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करेंगे। किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन या कोई भी चीज़ अगर आप लगती है तो यू कैन आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ साइड में चैट विंडो है, चैट विंडो पे मुझे आप जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, मुझे लिख करके भेज दीजिए, आई विल आंसर राइट अवे। मैं आस्था कपिल चौबे हूँ, नई शिक्षा में मैं फैकल्टी हूँ और मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा जो एक्सपर्टीज है वो स्टोरी बोर्डिंग, प्री प्रोडक्शन, ग्राफिक डिज़ाइन, ये वाला स्किल बेस है और मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूँ। और मैं आप में से हर किसी को इस फील्ड के बारे में बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक हमारा जो ये पहला सेशन है, हम दो सेशंस में बटे हुए हैं, हमारे दो सेशन है, तो उसमें से ये पहला सेशन जो है वो हमारा ग्राफिक डिज़ाइन को लेकर के है। ग्राफिक डिज़ाइन में हम जनरली ग्राफिक डिज़ाइन से आप लोग क्या समझते हैं, ये मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ इस टॉपिक को। ग्राफिक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बहुत बेसिक चीज़ है। ग्राफ हम जब स्कूल में होते हैं तो हमने हमारा एक ग्राफ का मैथमेटिक्स में एक पेपर होता है जनरली, तो ग्राफ पेपर के बारे में आप हर कोई जानते हैं। तो वो ग्राफ जो होता है वो ग्राफिक्स का बेसिक है क्योंकि हम बचपन में भी जब भी हमने ड्राइंग्स करी हैं तो ड्राइंग स्किल्स करते करते उसमें हम चेकर्ड बॉक्स में ड्राइंग करना सीखते हैं। जो छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स या फिर आपके आप लोगों ने बचपन में कभी ड्राइंग की किताबें खरीदी होंगी तो उन ड्राइंग की किताबों में आपने देखा होगा कि बॉक्स के अंदर ड्राइंग करना सिखाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें आपका मेजरमेंट बहुत परफेक्ट आता है। तो ग्राफ से ही ग्राफिक्स वर्ड आया है। तो ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, मतलब कि उसकी एक लंबाई होती है और एक उसकी चौड़ाई होती है। तो इन सब चीज़ों की जो ये बेसिक चीज़ें हैं किसी भी ग्राफ को क्रिएट करने के लिए, किसी भी ग्राफिक को क्रिएट करने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये फील्ड जो है ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा और आप लोगों को इंटरेस्ट है, इसलिए आप यहाँ पर हैं आज। आप इनको बोल दो ना मैं सेशन ले रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी को इस फील्ड में मस्ट बी इंटरेस्ट है, इसीलिए आप लोग सारे के सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं आज और इस सेशन को ज्वाइन किया है आप लोगों ने। तो आज हम लोग इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा और समझते हैं। ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। ग्राफिक डिज़ाइन बहुत सारी जगहों पे हम रोज़मर्रा के अपने दिनचर्या में कई बार देखते हैं, कई बार देख के गुजर जाते हैं, कई बार नोटिस नहीं होता है, लेकिन हम लोग कई बार इससे रूबरू होते हैं।
ग्राफिक डिजाइन हमारे जीवन में हर जगह पहुंच चुका है. जैसे आप कहीं घर से निकले हैं, रास्ते में जाते जाते आपको 10 बोर्ड होर्डिंग दिख जाती हैं, उन 10 वो सारी की सारी क्या है, वो एक पार्ट है ग्राफिक डिजाइन का. ठीक है. और ग्राफिक डिजाइन के बहुत सारे इसके हिस्से हैं जिनको हम रोज देखते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ. मैं उन सारे हिस्सों को थोड़ा सा हाईलाइट करने आई हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि ग्राफिक डिजाइन जो है आपका कहाँ कहाँ पहुंचा हुआ है और आप कहाँ कहाँ उसकी पॉसिबिलिटीज को देख करके अपने करियर में इन्वॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि आजकल के समय में ऐसा समय बहुत चेंज हो चुका है, बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शंस नहीं है आपके पास. करियर ऑप्शंस आपके अनलिमिटेड हैं, बस आपको जानने की उसकी जरूरत है कि आप अपना करियर एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी बना सकते हैं. ग्राफिक डिजाइन के अंदर बेसिकली पहले आप ये जानते हैं कि ग्राफिक डिजाइन जो है होता क्या है एग्जैक्टली. ग्राफिक डिजाइन की मदद की जरूरत हमको हर जगह होती है, चाहे हम किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हों, चाहे हम पोस्टर डिजाइन कर रहे हों, चाहे हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हों, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के पास, हर किसी के पास स्मार्टफोन है. ठीक, स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन को आप लोगों को लगता है कई बार कि आप कस्टमाइज्ड फोन के केसेस यूज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप किसी भी शॉप में जाते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, तो वो क्या करता है, वो ग्राफिक डिजाइनर ही होता है जो एक टेम्पलेट उसमें डिजाइन करके प्रिंट करके आपको दे देता है. आपको टी शर्ट आजकल के टाइम में कस्टमाइज्ड पहननी है, तो आप क्या करते हैं, आप वैसे बंदे के पास जाते हैं जो कि टी शर्ट प्रिंट कर रहा है, टी शर्ट प्रिंट करके कस्टमाइज टी शर्ट दे रहा है. ठीक है. इवन अगर आप इंटीरियर में भी अगर जाते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा होता है कई बार कि लोगों को कुछ टाइल्स हैं उस पर भी प्रिंट करके वो लोग अपने घरों में लगवाते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सब कुछ प्रिंटिंग मटेरियल जो है, प्रिंटिंग के जो भी डिजाइन होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर पर रेडी होते हैं, और वो तैयार करने वाले जो होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स ही होते हैं. ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत हर जगह है, चाहे आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हो, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. ठीक है. और मैं कुछ एग्जांपल्स मेरे पास मैंने पहले से रखे हुए हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके बात करते चले जाएंगे. मान लीजिए कि कोई अपना एक वेंचर शुरू कर रहा है, अपना काम शुरू कर रहा है, उसको अपना काम शुरू करने के लिए किस बेसिक चीजों की जरूरत होगी. सबसे पहले तो उसको अपने कंपनी के नाम की जरूरत होगी, उस कंपनी के नाम के साथ साथ उसको उसके लोगो की जरूरत होगी. तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका लोगो डिजाइन करेगा. ठीक है. लोगो डिजाइन करवाएगा, तो उस लोगो को डिजाइन करने के लिए उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है. अब आप ये चीजें देखते जाइए, आप ये चीजें गिनते चले जाइए कि आपको कहाँ कहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर का काम नजर आ रहा है. ठीक है. ये पॉसिबिलिटीज है, ये सारी पॉसिबिलिटीज आप फाइंड आउट करते जाइए मेरे साथ साथ. ठीक है. सबसे पहले हमको एक प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, हमको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है मान लीजिए. ठीक है. प्रोडक्ट को हम मल्टीपल बैकग्राउंड्स पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमको क्या चाहिए, उसका लोगो चाहिए. हमारा ये लोगो बन गया. ठीक. ठीक. हमारा लोगो बन गया. अब उस लोगो के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कंपनी है, कंपनी की सारी डिटेल्स होगी, कंपनी की एक वेबसाइट होगी. कंपनी की वेबसाइट में भी आप ग्राफिक डिजाइनर की मदद चाहिए, क्योंकि उसका लेआउट हमको तैयार करना है, उसका विजुअल हमको तैयार करना है, वो हमको दिखने में कैसी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए, वो सारी चीजें हम देख सकेंगे वहां पे. ठीक है. तो ये सब कुछ करने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर की मदद चाहिए. ठीक. वो हमको वेबसाइट तैयार करके देगा. ठीक है. वेबसाइट के साथ साथ हमको छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस चाहिए होंगे. कई बार बीच बीच में अलग अलग फेस्टिवल्स आते रहते हैं, आपको अपना एडवर्टीजमेंट करना होता है, आपको थैंक्स गिविंग करना होता है, आपको विशेस भेजनी होती है. आपको क्या चाहिए होता है आजकल के टाइम में, हर कोई जाकर के तो विश नहीं करता. पहले पुराने टाइम में ऐसा होता था कि, लेकिन तब भी ग्राफिक डिजाइनर जो भी कार्ड प्रिंट होकर के आते थे वो सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनर से तैयार करते थे. लेकिन उसका प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर का काम कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है. पहले ये पेपर पे प्रिंट हुआ करता था, अब ये डिजिटल फॉर्मेट में हर जगह पर पहुंचता है. ठीक है. तो एक इमेज के फॉर्मेट में हर जगह पहुंचता है. तो आपका बिजनेस कार्ड होता है, ठीक, एक कंपनी का बिजनेस कार्ड होता है, एक कंपनी का ब्रोशर होता है, व्हाट सर्विसेज
द कंपनी इज गोइंग टू प्रोवाइड, उसका पूरा एक डिटेल में एक पूरी स्टडी होकर के वो सारी चीजें बनती हैं और वो प्रॉपरली हमारा डिजाइन होकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप हर कोई देख पा रहे हैं, इमेज आप सबको दिख रही है ना, और आई होप मैं ऑडिबल हूँ हर किसी के लिए, मेरी आवाज सबको ही सुन पा रहे हैं ना, प्लीज आप यस कर सकते हैं। अवधेश, अवध नरेश, वाई नो आर यू नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन और समथिंग? ओके, ठीक है, कोई लोग नो लिख रहे हैं, कोई लोग यस लिख रहे हैं, तो मेरी आवाज आ रही है हर किसी को? अगर आवाज नहीं आ पा रही तो प्लीज आप उस जगह पर बैठने की कोशिश करें जहां पे आपका नेटवर्क सिग्नल प्रॉपर आ रहा हो। नेटवर्क सिग्नल प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मेरा एक भी पॉइंट मिस ना हो, आप कोशिश ये करें। कंटिन्यू करते हैं, हमारे क्या क्या हो गया, वेबसाइट लोगो डिजाइन हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गई, क्या कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमने एक ब्रोशर तैयार कर लिया। ठीक, हमने बिजनेस कार्ड तैयार कर लिया, हम किसी से भी मीटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले हम बिजनेस कार्ड देते हैं, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है ये सारी चीजें क्या है, इन सब चीजों में हमको डिजाइन की जरूरत होती है, ये सारा ब्यूटिफिकेशन हम डिजाइन की मदद से करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को या खुद भी अगर एक टी शर्ट पहनना चाहते हैं तो हम उसमें अपना ग्राफिक डिजाइन किया हुआ लोगो तैयार करके उसको प्रिंट करके आ सकती है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग, I am presenting my screen. Everyone is see, can see, I guess so. Yes, we can see you. ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई कि ग्राफिक डिजाइनर का एक मैंने स्कोप आपको यहाँ पे फिलहाल बताया। अब ग्राफिक डिजाइन जो है वो हर जगह है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग हो गई, ये चीजें हो गई, फिर अगर हमको थैंक्स गिविंग करना है, पोस्टर्स बनाने हैं, ब्रोशर्स हम लोगों बनाने हैं, या फिर हमको कार्ड्स बनाने हैं, तो हम उन सारे कार्ड्स को डिजाइन करने के लिए ग्राफिक डिजाइन की मदद लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफिक डिजाइन जो है वो काफी वास्ट फील्ड है और इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ इसकी पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे होती है, ग्राफिक डिजाइनर्स एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। तो आप पहला तो ये हो गया, ठीक है, जहाँ पे प्रिंटिंग पैकेजिंग का काम होता है वहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है, राइट, जहाँ पे एडवर्टीजमेंट का काम होता है वहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है, एड कंपनीज होती है जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है। ओके, हैरी कह रहे हैं कि स्क्रीन पर सिर्फ आपका लोगो ही दिख रहा है, हाउ कम? आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग अ देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे ये दिक्कत आ रही है कि आप में से कोई भी अचानक से अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करने लग जाता है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है, उसमें मेरी स्क्रीन जो है वो पॉज हो जाती है, तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू डू प्लीज डू नॉट प्रेजेंट योर स्क्रीन, अगर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो मेरी स्क्रीन जो है वो पॉज हो जाएगी, तो हर किसी को वो चीजें नहीं दिखेंगी जो मैं दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है अभी बीच बीच में, प्लीज डू नॉट प्रेजेंट योर स्क्रीन, राइट? ठीक है, तो हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं, प्लीज डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस हियर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ग्राफिक डिजाइनर्स कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकते हैं।
प्रिंटिंग पैकेजिंग की बात हो गई, एडवर्टीजमेंट की बात हो गई, एडवर्टाइजिंग कंपनी है अगर तो एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास उसके उसका अपना एक ग्राफिक डिजाइनर होता है जो किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट के लिए अगर कोई भी प्रोडक्ट कंपनी आती है, कोई भी कंपनी आती है तो उसके ए टू जेड हर चीज को वो डिजाइन करके देते हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि एक कंपनी को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हम हमारी स्क्रीन पे ओपन है, आप देख सकते हैं। दूसरा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ग्राफिक डिजाइनर और कहाँ हो सकते हैं, प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले एरिया में हो सकते हैं। मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर आपको प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले एरिया में दिखेंगे। प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले एरिया से आपका क्या मतलब है, मतलब जैसे बुक प्रिंट करनी है तो बुक क्या है, बुक कई जगहों पे प्रिंट होती है। इवन जैसे हमारे जो सीबीएसई की बुक्स होती हैं, अगर हमारी स्टेट बोर्ड की जितनी भी बुक्स होती हैं उसमें बुक्स में इलस्ट्रेशंस होते हैं, चाहे साइंस की बुक हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे मैथ्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की बुक आप ले देख लीजिए, बिना पिक्चर्स के कोई भी बुक है क्या, नहीं है। तो वो सारी सारे डिजाइन कौन रेडी करता है, वो सारे डिजाइन ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है, ठीक है। सारे के सारे डिजाइन जो है वो ग्राफिक डिजाइनर तैयार करते हैं। तो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग वाला जो सेक्शन होता है उसमें भी बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स की मदद होती है। कोई बुक लॉन्च हो रही है, कोई बुक बन रही है, प्रिंट होने वाली है, तो उसमें टेक्स्ट का अरेंजमेंट करना है, पिक्चर्स कहाँ पे होनी चाहिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अभी तो खैर डिजिटल एरा है, लेकिन आई होप आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉमिक बुक पढ़ते होंगे, कॉमिक बुक देखा होगा। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया में भी, कॉमिक कॉन फेस्टिवल। जो लोग कॉमिक बुक के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हैं उन लोग समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। तो वो जो कॉमिक बुक के अंदर इलस्ट्रेशंस तैयार होते हैं वो कौन करता है, वो ग्राफिक डिजाइनर तैयार करता है, ठीक है। तो प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाला जो सेक्शन है हमारा, प्रिंटिंग पब्लिशिंग वाले सेक्शन में भी ग्राफिक डिजाइनर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अवेलेबल होती है, क्योंकि सरकारी बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं जिसके अपने अपने अलग ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, जो क्योंकि आजकल का टाइम पूरा डिजिटल हो चुका है, ठीक है। कागजों पे काम होता है लेकिन कागजों से ज्यादा काम जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने लग गया है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी चीज, कोई भी एडवर्टीजमेंट फ्लोट करना है, हर किसी का एक पीआर होता है, हर किसी का एक पीआर होता है। पीआर में आपके पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है या पब्लिक रिलेशन वाला जो सेक्शन होता है हर किसी सरकारी विभाग का, तो उस विभाग में एक ग्राफिक डिजाइनर का होना बहुत बहुत जरूरी माना जाता है। वहां पे भी एक ग्राफिक डिजाइनर रहता ही रहता है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर वहां पे भी मौजूद होते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो प्लेटफॉर्म है और जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कम नहीं है। बहुत बहुत वास्ट फील्ड है ये। इस फील्ड में आप कहीं से भी कैसे भी आकर के काम कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बस अंतर ये है कि लोग इसके बारे में जानते कम हैं। अब बात आती है कि ग्राफिक डिजाइनर तो चलिए बनना है, ग्राफिक डिजाइनर होना चाहिए, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर के पास अपना स्किल को दिखाने के लिए उसका टूल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो टूल कहने का मतलब है कि वो किस चीज के माध्यम से वो डिजाइन को तैयार करेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम डिजाइन को क्रिएट करते हैं। उस डिजाइन को क्रिएट करके फिर हम प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के लिए या फिर बोर्ड होर्डिंग्स के लिए या फिर हम वेब पे अगर उसे फ्लोट करना हो तो वेब पे फ्लोट करने के लिए हम उसको भेज सकते हैं। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो हम बेसिकली फोटोशॉप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फोटोशॉप के बारे में आपने सुना होगा, ये अडोबी का सॉफ्टवेयर है, अडोबी कंपनी है। अडोबी के अलग अलग और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें से फोटोशॉप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फोटोशॉप में हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के डिजाइन आप देख रहे हैं, ये सारे डिजाइन आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं।
पैनलिंग हम कर सकते हैं. कुछ और एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, उन सारे एग्जांपल्स को हम देखते जाएंगे और मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि फोटोशॉप में आप क्या क्या कर सकते हैं. पहला तो ये डिजाइन हो गया, आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है. ये इनको तो हर कोई जानता है, शाहरुख खान है. ये पेंटिंग है, ये कहलाती है डिजिटल पेंटिंग. ये डिजिटली पेंटेड इमेज है और इस इमेज को हम हमने फोटोशॉप की मदद से तैयार किया है. मैं एक सॉफ्टवेयर का हल्का सा ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा रही हूँ. यहाँ पे आप शायद मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे. ये फोटोशॉप कहलाता है. इस फोटोशॉप में फोटोशॉप में हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, डिजिटल डिजाइन हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके सो ये फोटोशॉप है. इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम ग्राफिक डिजाइन का काफी कुछ पार्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी आपको थोड़े कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे थोड़ी देर पहले, तो ये शाहरुख खान का इमेज आप देख सकते हैं, ये हमने डिजिटल पेंट करके तैयार किया है. मैं देख रही हूँ एक बार. अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके ठीक है. तो ये एक ये फोटोशॉप है. फोटोशॉप की मदद से हम कुछ ऐसे क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस भी तैयार कर सकते हैं और कुछ अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको ये दिखाया था. ये देख पा रहे हैं आप इमेज? इमेज दिख रही है आपको शाहरुख खान की? इज इट ओके? थैंक यू. So, ये हमने डिजिटल पेंट करके तैयार किया. ये डिजिटल पेंट जो है हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं. हम ब्रश का इस्तेमाल करके, हम कई बार स्ट्रोक्स करके, लेयर्स में डाल के और भी बहुत सारी चीजें करके हम ये सारा ये इफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है. तो होता क्या है, फोटोशॉप सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. फोटोशॉप के पास और भी ऑप्शंस है. आप देख सकते हैं ये एक मूवी का पोस्टर है. ये एक मूवी का पोस्टर है. जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो भी बिना ग्राफिक डिजाइनर के आगे नहीं बढ़ सकती है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जैसे मान लीजिए आप किसी सीरियल को वो लोग रिलीज कर रहे हैं, तो आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे 4 दिन पहले से उनके बारे में, उसके बारे में फ्रंट पेज में 1/4 हिस्से में उसका सारा डिस्क्रिप्शन आने लग जाता है, स्टोरीज आने लग जाती है ना. इलस्ट्रेशन कई बार आ जाते हैं, कई बार पोस्टर्स आते हैं, है ना. कोई भी सीरियल लॉन्च हो रहा है, कोई भी फिल्म आ रही है, फिल्म रिलीज हो रही है, या कोई भी एक टीवी सीरीज आ रहा है या फिर वेब सीरीज आ रही है, उन सब के आपको पोस्टर्स चाहिए होते हैं पब्लिसिटी करने के लिए. तो ये पब्लिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ग्राफिक डिजाइनर. वो उनको प्रेजेंट पोस्टर्स डिजाइन करके देता है, बैनर्स डिजाइन करके देता है. आप सड़कों पे चलते हैं, कई मतलब बिना बोर्ड होर्डिंग के आपने कोई भी सड़क देखी है क्या? नहीं देखी है. पूरे इंडिया में कितनी भी सड़क होंगी पूरी दुनिया में, तो वहाँ वो सारे डिजाइन कौन रेडी करता है? वो ग्राफिक डिजाइनर ही करता है, ठीक है. और क्या उसके ऑप्शन है वो देखते हैं हम थोड़ा सा. स्पाइडरमैन, ये फॉर फार फ्रॉम होम, ये भी मेरे ख्याल से पिछले साल रिलीज हुई थी ये वाली मूवी, बहुत ही बेहतरीन मूवी थी. और इसका जो ये पोस्टर है ये भी फोटोशॉप में डिजाइन किया गया है. इस पोस्टर में कुछ हिस्सा जो है हमने फोटोग्राफ से लिया है, इस कुछ हिस्सा जो है ये इसका पेंटेड है. तो हम हर तरीके से इस पे किसी भी इमेज के ऊपर काम करते हैं. और इस इमेज को तैयार करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है वो फोटोशॉप ही है. ये अलादीन डिज्नी की मूवी थी और इस ये
मुझे ऐसा लगता है कई लोगों ने देखी होगी, इसका एक एनिमेटेड सीरीज आया करता था जब हम छोटे हुआ करते थे उस टाइम। इसका वो जो एनिमेटेड सीरीज है वो भी ग्राफिक डिजाइन का ही एक पार्ट कहा जा सकता है, वो सारा का सारा 2D एनिमेशन कहलाता है। उस 2D एनिमेशन में, अच्छा 2D एनिमेशन में इसमें जो ये बंदर देख रहे हैं ये तो खैर ये 3D एनिमेटेड कैरेक्टर था, लेकिन आपने अगर पिछला जो इसका बहुत ही बेसिक वाला जो अलादीन, जब पहली बार अलादीन को लॉन्च किया गया था वो अगर देखा होगा तो वो 2D एनिमेशन कहलाता है। तो वो 2D एनिमेशन के लिए भी हम जो भी ग्राफिक्स तैयार करते हैं वो सारा का सारा जो ग्राफिक्स होता है वो हम इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से तैयार करते हैं। ठीक है, ये मूवी पोस्टर आप देख रहे हैं, इस मूवी पोस्टर में भी इसी तरीके से काम किया गया है। ये कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर है, यहाँ पे येलो लाइट फिल्टर है, इन सब चीजों का इस्तेमाल हम फोटोशॉप की मदद से करते हैं। ये सारा का सारा जो पोस्टर आप देख पा रहे हैं ये सारा पोस्टर फोटोशॉप में डिजाइन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं इमेज, इस इमेज को हम ये इमेज जो है ये डिजिटल पेंटिंग कहलाती है। ठीक है, ये इमेज जो है डिजिटल पेंटिंग कहलाती है। ये कई बार क्या होता है, आप कॉमिक आर्ट पे काम कर रहे होते हैं या फिर आप किसी कैरेक्टर को लेकर के काम कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ड्राइंग करना पसंद करते होंगे, तो आप अपनी ड्राइंग को इस तरीके से एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ड्राइंग करते होंगे, जिनको ड्राइंग करना बहुत पसंद होगा, इलस्ट्रेशंस करते होंगे, कॉमिक बुक देखी होगी। डिजिटल कॉमिक्स का भी टाइम है, आजकल का टाइम जो है वो सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिजिटल कॉमिक बुक भी देखी होगी। वो डिजिटल कॉमिक बुक हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डिजिटल डाइजेस्ट आप में से पढ़ी होगी आई गेस सो किसी किसी ने, तो वो डिजिटल डाइजेस्ट जो है वो फोटोशॉप की मदद से हम क्रिएट करते हैं। कई बार हम इलस्ट्रेटर जो है अडोबी का ही एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है उसको उसकी मदद से भी क्रिएट करते हैं। और आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ये वही चीज है अभी जो मैंने जिससे क्लास जो शुरू की थी, बिल्कुल वही चीज है ये। इसमें हम क्या क्या देख पा रहे हैं, देखिए इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ब्रांडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कैरी बैग है, हमारे पास टी शर्ट है, हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारा बैग हो गया, पॉली बैग ही आई गेस, और ये केस है, सनग्लासेस हैं, हमारा बिजनेस कार्ड हो गया, अगर हम नोट पैड अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो नोट पैड में भी हम अपने ब्रांड का जो भी लोगो है, जो भी डिजाइन है, हम उसको वहां पे लगा सकते हैं। तो हम ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम अपने ब्रांड की जो है ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा लोग जनरली जो ट्रांसपोर्ट वाले जो क्या बोलना चाहिए व्हीकल्स होते हैं, जैसे बसेस हो गई या फिर ऑटो हो गए, उन सब में भी अपने ऐड की अपने आपकी जो भी कंपनी है या भी आपका जो भी ब्रांड है उसमें उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो वो सारे एडवर्टीजमेंट भी किसके पास जाते हैं, पहले ग्राफिक डिजाइनर के पास कॉन्सेप्ट जाता है, ग्राफिक डिजाइनर उसको डिजाइन करता है और डिजाइन करने के बाद वो प्रिंट होता है और उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, फेस्टिवल्स आने वाला है, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम कुछ एक क्रिएटिव विजुअलाइज करके उसको प्रेजेंट करें और लोगों को हम विश करें। अब नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे के बाद फिर दशहरा आ जाएगा, उसके बाद दिवाली आएगी, तो आपको बहुत सारे कार्ड्स की जरूरत होगी। आप इस साल हो सकता है एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करें लोगों के सामने। जनरली जो शॉप्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस कंपनीज होती हैं, जो भी वो सारे कंपनीज को भी इस तरीके के लोगों की जरूरत होती है जो ग्राफिक डिजाइन करके आपको ये सारी चीजें दे दें और आप उसको फ्लोट करें, क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, पेपर पे बहुत कम वर्क है आजकल, सारा कुछ डिजिटल चल रहा है, तो यू हैव टू बी लाइक दैट ओनली।
अब जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इस इमेज को हम कहते हैं मैट पेंटिंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बाहुबली आपने देखी होगी। बाहुबली आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मुझे मालूम है। बाहुबली अगर नहीं भी देखी होगी आप लोगों में, बहुत सारे लोगों ने एंड गेम देखी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्पाइडरमैन की एक फिल्म एंड फार फ्रॉम होम का एक पोस्टर दिखाया था। इवन अलादीन का भी एक पोस्टर दिखाया था। इस तरीके की जो फिल्म्स होती हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारी, आपने पीके देखी होगी, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं जो विजुअल इफेक्ट्स और बिना इस तरीके के चीजों के नहीं बनती। आजकल की फिल्मों के कॉन्सेप्ट बहुत बदल गए हैं, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो इन रियल लाइफ में मौजूद नहीं है, लेकिन हम उसको देख पाते हैं। तो हम उनको किन किन चीजों की मदद से, उनको हम कुछ सॉफ्टवेयर है उनकी मदद से तैयार करते हैं। कुछ पोर्शन जो होता है वो 3D का होता है, लेकिन उसका बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो हम फोटोशॉप में क्रिएट करते हैं। तो ये जो पेंटिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी पेंटिंग जो है फोटोशॉप में क्रिएट की गई है। इसमें ये पेंटिंग का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं मैट पेंटिंग, MATT, मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग, अभी इसके पहले मैंने डिजिटल पेंटिंग दिखाई थी आपको शाहरुख खान की, अभी ये आप देख रहे हैं मैट पेंटिंग। ये हम फोटोशॉप में ही कर सकते हैं, ठीक है, फोटोशॉप में हम ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा पूरा सीन हमने क्रिएट किया। अब इसमें होता क्या है मैट पेंटिंग में, हम एक तरीके से कंपोजिशन तैयार करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन में हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं। जैसे आप में से हर किसी का अपना एक कमरा होगा, उस कमरे को आपने अलग अलग तरीके से सजाया होगा, तो वो उस कमरे को सजाने को हम क्या कहते हैं, उस कमरे को सजाने का मतलब है कि हम उस कमरे में चीजों को कंपोज कर रहे हैं। तो कंपोज करने का क्या मतलब, हम वही चीज इस इमेज के अंदर कर रहे हैं, हम इसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, हम इसको एक अपने विजुअल के हिसाब से प्रेजेंट करने के लिए हम उसको एक तरीके से अरेंज कर रहे हैं। वो अरेंजमेंट आपका ऐसा है जो बहुत सुंदर सा लग रहा है। तो इसमें पीछे की तरफ आप पहाड़ देख पा रहे हैं, आसमान देख पा रहे हैं, यहाँ बीच से सूरज दिख रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं जो बीच बीच में से खाली है और ऐसे पुल की तरह नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो आप इन रियल ये नहीं होता है, लेकिन हम इसको यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमने फोटोशॉप में तैयार किया है, कुछ कुछ इमेजेस को अलग अलग जगहों से उठा करके। पहाड़ को हमने अलग जगह से लाया है, ये जो आपके इस तरीके के ये जो उड़ते हुए पंछी दिख रहे हैं, ये आजकल के टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंप्यूटर से जनरेट किए हुए हैं और इनको हमने यहाँ ला करके प्लेस किया है और एक प्रॉपर कंपोजिशन, एक कलर बैलेंस के साथ हमने तैयार किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फोटोग्राफी भी करते होंगे, तो फोटोग्राफी करने के बाद जब आपकी रॉ इमेज आती है तो वो रॉ इमेज उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं दे पाती है, लेकिन आप उसको एनहेंस करते हैं। तो उसको एनहेंस करने के लिए भी फोटोशॉप एक बहुत अच्छा मीडियम है। आजकल के टाइम में फैमिली फोटोग्राफ्स, इवन पोर्टफोलियोज, फैशन फोटोग्राफी, ये सारी चीजें आजकल के टाइम में हो रही है। तो उसको भी एनहेंस करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हम फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर बहुत लिमिटेड जगहों पे काम नहीं करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर का जो जो प्लेटफॉर्म है, बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से किसी की तरफ से माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। वर्षा सोनी, प्लीज आप अपना माइक म्यूट करिए। थैंक यू सो मच। अब आते हैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर हम फोटोशॉप यूज कर रहे हैं आज की डेट में, मतलब अभी फिलहाल आप लोगों को मैं फोटोशॉप के बारे में बता रही हूं। अच्छा, कुछ इमेजेस रह गई, हम उनको भी देख लेते हैं। ये भी एक डिजिटल पेंटिंग है, ये इलस्ट्रेशन कहलाता है। आपको कई बार ऐसा होता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि फोटोशॉप में काम करते होंगे, या आपने जनरली बहुत सारे एड्स देखे होंगे, या फिर आपके पास कई बार होता है ऐसे कि दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, या किसी फेस्टिवल के टाइम पे कुछ अच्छी इमेजेस डिजाइन की हुई आपके पास आती हैं। तो ये क्या है, ये डिजिटली पेंटेड है। ये डिजिटल पेंट हमने फोटोशॉप में किया है। क्या होता है कि जो लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं वो अपना कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप फोटोशॉप की मदद से इस तरीके से पेंट करके ला सकते हैं। ये डिजिटल पेंटिंग कहलाती है। हम इस प्रोडक्ट ब्रांडिंग की बात कर चुके हैं पहले ही। ये बाहुबली का ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट डिजाइन है। ये बाहुबली आपने सबने देखी होगी, बाहुबली का ये स्टार्टिंग सीन है जहाँ पे जो राजमाता हैं वो इस बच्चे को बचा रही होती हैं।
ये बाहुबली का बच्चा है, नाम मैं भूल रही हूँ शायद, महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, जो भी। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आर्ट है। अब कॉन्सेप्ट आर्ट आप सोच रहे होंगे कॉन्सेप्ट आर्ट की क्या जरूरत है। कॉन्सेप्ट आर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब आप किसी अगर किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की बात करें, तो फिल्म प्रोडक्शन हाउस जब भी फिल्म बनाना चालू करता है, फिल्म को शुरू करता है, तो उसके पहले उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। जब बाहुबली बनना शुरू हुई थी तब बाहुबली को बनने में 5 साल लगे हैं, तो 5 साल आप सोचते होंगे 5 साल इन लोगों ने किया क्या। तो शुरू का 1 साल तो पूरा प्रोडक्शन के पाइपलाइन को तय करने में चला जाता है। तो प्रोडक्शन की पाइपलाइन में भी जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्टर हमको समझाता है कि आपको करना क्या है। डायरेक्टर आर्टिस्ट को समझाता है कि मैं अपनी फिल्म को इस तरीके का बनाना चाहता हूँ कि उसका एक अलग ही समय है। उसका वो समय है जहाँ पे आपने देखा होगा बाहुबली को, तो उसका उसके बड़े बड़े महल हैं, उसके बहुत सुंदर सा उसका गार्डन होता है, उसके लोग बहुत खुश हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है, बहुत ही समृद्ध राज्य है। तो समृद्ध राज्य की तस्वीर बता देने से तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, उसमें ग्राफिक डिजाइनर और विजुअलाइजर्स की मदद की जरूरत होती है। वो सारे लोग उनके लिए एक कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं, उसके महल कैसे होंगे, राजा रानी कपड़े कैसे पहनेंगे, इंटीरियर कैसा होगा, एक्सटीरियर कैसा होगा, बगीचा कैसा होगा, कैरेक्टर कैसे होंगे, सीन कैसे तैयार होंगे। वो एक एक चीज जो होती है वो ऐसे डिजाइनर्स की मदद से तैयार की जाती है, क्योंकि डायरेक्टर केवल कॉन्सेप्ट को सोच सकता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए उसको आर्टिस्ट की जरूरत होती है, बिना आर्टिस्ट के वो नहीं कर सकता। तो इस तरीके का काम भी आप कर सकते हैं अपने करियर में आगे, अगर आप इस तरीके का कोई कोर्स अपने लिए चूज करते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं कि ये सारी चीजों को हम तैयार कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके का सीन आपने देखा होगा बाहुबली में, ये भी मैट पेंटिंग कहलाती है। मेरे ख्याल से हर कोई देख पा रहा है, इसमें एक शिवजी की मूर्ति है। ठीक है, ऐसा कहीं सीन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। शिवजी की मूर्ति है, इनके सामने नंदी है और ये मोर बैठा हुआ है ऊपर, और ये बहुत ही बेहतरीन सी जगह है, बहुत ही सुंदर सी जगह है। ये क्या है, ये हमारा इमेजिनेशन है। हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं, अपने से बहुत सारे लोग ड्रीम करते होंगे, बहुत सारी चीजें सोचते होंगे, या आप कहीं ऐसी जगह पे जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि इसको बना लेना चाहिए या खींच लेना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फोटोशॉप की मदद से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी आप यहाँ पे ला करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हिरण दिख रहा है, ये पेंटेड है, ये इसमें से बहुत सारी चीजें पेंटेड है, बहुत सारी चीजें जो है वो कॉपी करके लाई गई है और उसको इमेज के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, कलर को मैच किया गया है। अगर फेडेड चाहिए तो पीछे फेड किया गया है, आप देख सकते हैं पीछे वाला जो एरिया है इसका थोड़ा फेडेड दिख रहा है। ये बहुत ऊंचा सा पहाड़ है, इसके बीच में कहीं पर ये शिव जी की मूर्ति और यहाँ पीछे से लाइट आ रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने क्रिएटिविटी को यहाँ पे दिखा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ये पूरा ये रियल में पेंटेड नहीं है, ये डिजिटली पेंटेड है और ये पेंटिंग मैट पेंटिंग कहलाती है, क्योंकि इसके पहले ये बस जस्ट इसकी पहले वाली इमेज में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम छोटी छोटी इमेजेस को इकट्ठा करके बड़ा कंपोजिशन बना सकते हैं। वापस हम शाहरुख खान के पास आ गए। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे काम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जो है फोटोशॉप की मदद लेते हैं। फोटोशॉप एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और आप लोगों को बहुत पॉसिबिलिटीज देता है, जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। फोटोशॉप जनरली इस तरीके से ओपन होता है और मेरी स्क्रीन, मुझे लग रहा है सब हर कोई देख पा रहे हैं। हम एक नई फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग कस्टमाइज फोटोशॉप जो है हमको अलग अलग तरीके के कस्टमाइज इमेज साइज देता है। उस इमेज साइज की मदद से हम लोग अलग अलग कलर कंपोजिशंस तैयार कर सकते हैं। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है,
केवल पिक्सल, आप जानते होंगे कि आप पिक्सल के बारे में तो हर कोई जानता होगा कि पिक्सल क्या है. आपके आप हर कोई स्मार्टफोन यूज करते हैं, कैमराज यूज करते हैं, डिजिटल कैमराज यूज करते हैं, या फिर आपके पास हर घर में एलईडी एलसीडी टीवीज हैं, तो वो सारे टीवीज जो हैं इमेज का आउटपुट आपको किस तरीके से देते हैं, वो सारी की सारी डिजिटल इमेजेस आपके फोन पे डिजिटल इमेज निकलती है. आप अपने फोन के कैमरे का इस्तेमाल करके जो भी इमेज खींचते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, वो सारी की सारी डिजिटल इमेजेस होती हैं. वो सारी की सारी डिजिटल इमेजेस पिक्सल से मिलकर के बनती है, और हर पिक्सल अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर लेके चलता है. तो अभी हमारे सेशन का आखिरी 15 मिनट बचा है. उस 15 मिनट में हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो किस क्या क्या हमको पॉसिबिलिटीज दे सकता है हमारी क्रिएटिविटी को और निखारने में, या आपका जो भी क्रिएटिव इमेजिनेशन है उसको कागज पे उतारने के लिए जो भी. ठीक है, तो हमारे पास फोटोशॉप जो है बहुत ही बेसिक कुछ प्रीसेट्स हमको देता है बाय डिफॉल्ट. तो हम इसकी मदद से कोई किसी भी तरीके का कोई भी एक प्लेटफॉर्म कोई भी एक फाइल साइज बना सकते हैं. उस फाइल साइज में हम अलग अलग तरीके से इमेजेस को ला करके कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास टूल्स होते हैं, ये टूल्स जो होते हैं वो हमको बहुत सारी पॉसिबिलिटी देते हैं चीजों को क्रिएट करने के लिए. हमारे पास ब्रश होते हैं, हम ब्रश की मदद से पेंट कर सकते हैं, हम किसी भी इमेज को कंपोज कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं. अलग अलग ऑप्शंस से हम इवन जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो अपनी आपकी कई बार ऐसा होता है कि फोटो बहुत ज्यादा डल आई है, तो डल हुई फोटो को आप उसके कलर्स को एनहेंस कर सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपने वो भी देखा होगा कि कई फोटोज में आंखें लाल हो जाती हैं, तो वो रेड आई इफेक्ट होता है. उस रेड आई इफेक्ट को बहुत आसानी से हम फोटोशॉप में करेक्ट कर सकते हैं. आपकी बहुत सारी पुरानी इमेजेस होती हैं जो फट गई हैं, टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं बीच बीच से, और उसके कलर उड़ गए हैं, तो उन सारी इमेज को हम रिस्टोर कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से. फोटोशॉप एक फोटोशॉप की मदद से आप किसी कंपनी के लिए लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं, किसी का आप बिजनेस कार्ड अगर डिजाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ब्रोशर डिजाइन कर सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं. फोटोशॉप आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है. अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी को भी किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज आप ये चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल आंसर योर क्वेरीज. यहाँ पे यश गंगवानी ने लिखा है पिक्स आर्ट एंड अडोबी लाइट रूम आर अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड. पिक्स आर्ट और अडोबी लाइट रूम, अडोबी लाइट रूम इज ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, तो वो यूज हो सकता है उसपे. पिक्स आर्ट मुझे नहीं लगता, पिक्स आर्ट ठीक है. हाउ टू डाउनलोड फोटोशॉप इन पीसी, ये इस चीज के लिए हम नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने रखी है. सॉरी, अच्छा मैं अभी आप लोगों को एक ये बता देती हूँ कि आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, मैं जस्ट आई एम जस्ट ये लिंक मैंने जस्ट अभी सेंड किया है. क्रैक वर्जन आपको बाय करना पड़ेगा. 1.73 जीबी फुल सेटअप ऑफ फोटोशॉप, भूषण पटेल. ओके, ठीक है. ये इस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं. ट्रायल वर्जन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करके देख सकते हैं.
और आगे की क्लास में हम इसका थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू बताएंगे, फोटोशॉप हमको किस किस तरीके से काम कर सकता है, कुछ हाँ उसका वर्किंग हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे। थोड़े से क्वेश्चंस में, और आप लोगों ने बहुत सारे कुछ कुछ पूछा है, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करके देख लेती हूँ। आप जयंत, आप क्या समझ रहे हैं, फोटोशॉप मोबाइल में काम करने का एप्लीकेशन नहीं है, फोटोशॉप बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, और वो एप्लीकेशन नहीं है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। तो आप इस ये मत समझिए कि, और इसको मैं पिक्स आर्ट के साथ आप कंपेयर मत करिए। फोटोशॉप एक बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्शन लेवल में इस पे काम होता है, ठीक है। तो पिक्स आर्ट जो है वो आपके छोटे छोटे फिल्टर्स आपको उसमें मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत आप डूडलिंग उसमें कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप जैसी पॉसिबिलिटीज उसमें नहीं है, ठीक है, बहुत लिमिटेड है पिक्स आर्ट भी। अगर, और मुझसे किसी ने भी पूछा था लाइट रूम के बारे में, तो लाइट रूम जो होता है वो फिल्टर्स प्रोवाइड करता है, वो फिल्टर्स थोड़े से एडवांस होते हैं, आपके फोन में भी वो फिल्टर्स हैं, लेकिन वो फिल्टर्स बहुत छोटे छोटे फिल्टर्स हैं। लाइट रूम में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है लाइट रूम, बट फोटोशॉप लाइट रूम से काफी अलग है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल बेस्ड एंड रास्टर बेस्ड? सी, पिक्सल और रास्टर दोनों एक ही होता है। आर्या आर्या चौकसी इज आस्किंग कि पिक्सल बेस्ड और रास्टर बेस्ड ये दोनों एक ही है, ये सिनोनिम है एक तरीके से हम कह सकते हैं। दो तरीके के ग्राफिक्स होते हैं, एक रास्टर होता है और एक वैक्टर होता है। वैक्टर इज क्या बोलना चाहिए, डायमेंशन बेस्ड, और पिक्सल रास्टर जो होता है वो पिक्सल बेस्ड है। तो रास्टर और फोटोशॉप इज बेसिकली पिक्सल बेस्ड, रास्टर ग्राफिक्स पे काम करते हैं हम। पिक्स आर्ट एंड अडोबी लाइट रूम अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लीज टेल द नेम ऑफ द ऐप, दिस इज नॉट द ऐप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऐप राइट हियर। हम ऐप के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इज फार बिगर देन अ ऐप, आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की मदद से आप एप्लीकेशन को, हाँ जो प्रीसेट्स आपके पास एप्लीकेशंस में होते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। लाइट रूम इज बेस्ट फॉर एंड्रॉयड? देवांश, लाइट रूम आपको फोटो फिल्टर से अप्लाई करने के लिए है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देगा वो। ठीक है, समवन इज आस्किंग अबाउट द कोर्स रिव्यू। कोर्स हमारे पास, कोर्स ओवरव्यू, विक्रांत, तो आई वुड आस्क यू टू कॉन्टेक्ट द मैनेजमेंट अबाउट द कोर्स ओवरव्यू, ठीक है। कोर्सेज हमारे पास हैं बहुत सारे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसके लिए, उसके रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट से बात करिए, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड फोटोशॉप इन पीसी, जस्ट अभी मैंने अभी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है। कैन यू गिव कोर्स कोर्स? हाँ, हैरी इज ऑल्सो आस्किंग, तो हैरी प्लीज कॉन्टेक्ट करिए, अपने मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। इज फोटोशॉप नॉट अ फ्रीवेयर? फोटो वृद्धि, फोटोशॉप फ्रीवेयर नहीं है, फोटोशॉप आपको बाय करना पड़ेगा, और फोटोशॉप डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक दिया है, आप जस्ट ट्राई करके देखिए उसको। मैम, डू वी नीड टू डाउनलोड अडोबी इन डिजाइन? इन डिजाइन इज डिफरेंट थिंग आदित्य, इन डिजाइन अलग चीज होती है। इन डिजाइन में आप मैगजीन के लिए डिजाइन सेटअप रेडी करते हैं, टेक्स्ट के साथ काम होता है, और इमेज केवल प्लेस होती है उसमें, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। बट यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ इमेज, और डिजिटल पेंटिंग, और या फिर जो भी कंपोजिशन होता है वो आप फोटोशॉप में तैयार कर सकते हैं। इन डिजाइन इज लिमिटेड विथ, ठीक है, ओके। विक्रांत, यू आर आस्किंग फॉर द अपकमिंग सेशन। अपकमिंग सेशन आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ओके। चम्मू कटरे, प्लीज वंस अगेन, क्या आपको वंस अगेन क्या चाहिए एग्जैक्टली, कुड यू प्लीज मेंशन? विच ऐप कैन वी यूज इन एंड्रॉयड? चन्मुख, एंड्रॉयड पे काम करने के लिए ग्राफिक डिजाइन नहीं है, ग्राफिक डिजाइन बहुत बड़ा एक वो होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर,
का एक रेंज है, उसकी तरफ उसकी मदद से हम कर सकते हैं. हम फोन पे काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करेंगे और एक वास्ट रेंज ग्राफिक डिजाइन की तैयार करेंगे. हम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. द सिनेरियो इज बिगर देन यू गाइज आर थिंकिंग. ठीक है, ओके. कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में क्या अंतर है, ये मुझे पूछ रहे हैं. कोरल ड्रॉ जो है वीवो है और फोटोशॉप जो है वो ओप्पो है, एप्पल है, सॉरी. तो ठीक, तो आज की क्लास जो थी हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अवर नेक्स्ट सेशन. आप सभी को इंटीमेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए. ग्राफिक कार्ड डिजाइन करने के लिए ग्राफिक कार्ड नेसेसरी है. ओके, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द सेशन. मैं अपने सेशन को अभी यहीं खत्म कर रही हूँ. आगे आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है, मुझे पता चल गया अभी आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है हर चीज के लिए, कोर्स के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप सभी इसमें आना चाहते हैं. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अवर नेक्स्ट सेशन. आप सभी के पास एक पर्सनल मैसेज चला जाएगा इस सेशन के बाद, और ये नेक्स्ट सेशन हम बस 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अभी स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोगों की क्वेरीज जो है आप लोग रेडी रखिए, और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे जो नेक्स्ट फैकल्टी हैं वो आपको बताएंगे. तो आई विल जस्ट हैंडिंग ओवर माय सेशन टू अंकित, आवर नेक्स्ट फैकल्टी मिस्टर अंकित मार्टिन. ही विल कंटिन्यू विद यू गाइस, प्लीज. ओके,